हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2015 का तीसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2015 का कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पेपर, जून का, ठीक है। जून का ये क्वेश्चन पेपर है, इसकी ये चौथी वीडियो क्लास है, ठीक है, चौथी वीडियो क्लास है। तो चलिए, 45 तक हमने प्रश्न कर लिए थे, तो 46 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभिकथन ए है, नवाब वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया था। कारण आर है, क्योंकि बेगम अख्तार उनकी शिष्य थी। कुट है आपका ए, ए आर दोनों सही है। बी, ए तथा आर दोनों ही गलत है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। ये सही है, ए नवाब वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया है, क्योंकि बेगम अख्तार उनकी शिष्य थी, ये गलत है, ठीक है। ये आपको सुमिलित करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। कुट भी मैंने आपको दिखा दिया है, एक तरफ आपको नाम दिया गया है, एक तरफ वो क्या है वो दिया गया है। देखिए, इसका सही आंसर होगा इसका बी। ए का तीन होगा, ध्रुपद कौन, अमीनुद्दीन खान डागर ध्रुपद थे, ठीक है, ध्रुपद मतलब कि ध्रुपद गाते थे। और बी का एक हो जाएगा, ख्याल कौन, तो अमीर खान ख्याल गाते थे। उसके बाद सी का चार हो जाएगा, पूर्णिमा चौधरी ठुमरी गाती थी। उसके बाद गजल, बेगम अख्तार क्या गाती थी, गजल गाती थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राचीन काल में अलाप की विशेष पद्धति को किस नाम से जाना जाता है था, मतलब कि स्वर स्थान, सरगम, रागमाला या सद्रा। इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है, स्वर स्थान। प्राचीन काल में अलाप के विशेष पद्धति को स्वर स्थान नियम कहते हैं। स्वर स्थान नियम अलाप गायन के अंतर्गत है। प्राचीन समय में कुछ नियम निश्चित किए गए थे, इन नियमों को स्वर स्थान नियम कहा जाता था। इन स्वर स्थान नियमों के अनुसार ही अलाप गायन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस वाद्य संयंत्र में नक्काशी सारिका है, सारंगी, इसराज, सरोद या रबाब। सही आंसर है इसका बी, ठीक है, बीस का सही आंसर होगा इसराज। इसराज वाद्य संयंत्र में नक्काशी सारिकाएं हैं। सितार और सारंगी गुणों से युक्त इसराज में 16 से 19 पर्दे और चार मुख्य तार म सा सा प में मिले होते हैं। इसमें 14 से 22 तरफ के तार होते हैं। चमड़े की तबली वाला इसका तुम्बा लकड़ी का होता है, यही काठ का तुम्बा छोटा होने पर दिल्लुवा कहलाता है। हाँ, और यह भी जो होता है, इसकी जो काठ होती है जब छोटी हो जाती है तो वो दिलरुबा कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने एक बार इसराज और दिलरुबा में क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैंने डाला था
कम्युनिटी पे डाल रखा है, वो मैंने आप जाके देख सकते हो उसे, बहुत पहले डाला था वो, उसको हो गए 3-4 महीने हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं दोनों वाद्य को, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार में बड़ा भाई था? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, हेमेंद्रनाथ टैगोर या द्विजेंद्रनाथ टैगोर? सही आंसर है इसका डी, द्विजेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द्विजेंद्रनाथ टैगोर टैगोर परिवार का बड़ा भाई था। द्विजेंद्रनाथ अकार मात्रिक स्वरलिपि के उद्भावक थे तथा वे बांसुरी बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता या इलाहाबाद? बहुत आसान है ये प्रश्न, डी आंसर होगा इसका, इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग संगीत समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कौन प्रख्यात संगीतकार है? हरि प्रसाद चौरसिया, अब्दुल करीम खां, एम आर गौतम, शिव कुमार शर्मा? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एम आर गौतम। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रख्यात संगीतकार एम आर गौतम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से विषम को चुने, जो विषम है उसे चुनना है आपको, धमार, झुमरा, उड़ चौताल या चौताल? सही आंसर है इसका डी, चौताल। चौताल रविंद्र संगीत से संबंधित है। ठीक है, चौताल जो है वो रविंद्र संगीत से संबंधित है। धमार ताल, झुमरा ताल, आड़ा चौताल हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, चौताल यह 12 मात्रा की संपदी ताल है, इसमें 6 विभाग होते हैं और 2-2 करके मात्राएं होते हैं। इसके जो बोल हैं वो भी यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं, धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदिगन धा। ठीक है, तो ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दरस पिया किससे संबंधित है? ठुमरी, ख्याल, गजल या टप्पा? सही आंसर है और ख्याल से संबंधित है। ठीक है, दरस पिया किससे संबंधित है? तो ख्याल गायकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुक्रम में लिखें, ए है मोहन वीणा सरोद मत कोकिला वीणा रबाब, बी है रबाब सरोद मत कोकिला वीणा मोहन वीणा, सी है मत कोकिला वीणा रबाब सरोद मोहन वीणा, डी है सरोद मत कोकिला वीणा रबाब मोहन वीणा? सही आंसर है इसका सी। ठीक है, पहले मत कोकिला वीणा, फिर रबाब, फिर सरोद, फिर मोहन वीणा। ठीक है, मत कोकिला वीणा, रबाब, सरोद, मोहन वीणा सही अनुक्रम है। मत कोकिला वीणा इसमें 21 तार वाली
भरत की वीणा का नाम मतकोकला वीणा था। सरोद यह काबुल रवाब का विकसित रूप सरोद है। इसका आविष्कार अमजद अली खां के पूर्वज बंदगी खां ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, यही क्रम को लिखें। ए है संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर, संगीत चिंता, संगीत उपनिषद सरो द्वार। बी है आपका संगीत रत्नाकर, संगीत उपनिषद सरो द्वार, संगीत परिजात, संगीत चिंता। सी है आपका संगीत चिंता, संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर, संगीत उपनिषद सरो द्वार। डी है आपका संगीत उपनिषद सरो द्वार, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, संगीत चिंता। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है, संगीत रत्नाकर, संगीत उपनिषद सरोदार, सरोदार, संगीत परिजात, फिर संगीत चिंता। ठीक है, यहां पे देखिए इसका एक्सप्लेन किया गया है। संगीत रत्नाकर तो 13वीं शताब्दी में आई थी, फिर संगीत उपनिषद सरोदार, संगीत परिजात आई, उसके बाद फिर संगीत चिंता आई है। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी से आरंभ में सारंगदेव द्वारा लिखा गया। इसमें 7 अध्याय हैं, सप्त अध्याय के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वर अध्याय, राग विवेक अध्याय, प्रवीण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय, नित्य अध्याय है। संगीत परिजात पंडित आहुवल के द्वारा 1650 ईस्वी में लिखा गया ये ग्रंथ है। इनका इसका शुद्ध सप्तक वर्तमान काफी ठाट के समान है। तो ये है इस पूरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित को सुमिलित करें। दसवां ताल प्राण अलप्ति कचट तप शुद्ध प्रशिक्षण। सही आंसर है इसका, देखिए इसको कुट भी दिया गया है, इसका मैंने कुट दिखाना भूल गया। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इसको। ए का 3 हो जाएगा, दसवां ताल प्राण हो जाएगा प्रस्तार, बी का 4 हो जाएगा, क च ट त प 1 लघु होगा ये, सी का 2 हो जाएगा, खास उल खास शुद्ध प्रशिक्षण और रूपक भंजनी हो जाएगा अलाप्ति। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से विषम को चुने। ए है अंतर गंधार, बी है शुद्ध मध्यम, सी है कैशिक पंचम और डी है काकली निषाद। सही है इसका बी, शुद्ध मध्यम। ठीक है, शुद्ध मध्यम विषम है। भरत ने नाट्यशास्त्र में 2 विकृत स्वरों माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद, 7 शुद्ध स्वर उन्होंने माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हारमोनियम का आविष्कार किसने किया है? ग्रेनी, अलेक्जेंडर, सेबेस्टियन इराड या एशिनबेक। इंपॉर्टेंट है,
सही आंसर है इसका बी, अलेक्जेंडर ने किया है हारमोनियम का आविष्कार। देखिए क्या है, हारमोनियम का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्रेनी ओइस डेवियन ने किया था। इस वाद्य का प्रयोग लोक संगीत, सुगम संगीत तथा फिल्म संगीत में इसका उपयोग किया जाता है। ये पश्चात वाद्य है और ये इसमें 15 काली तथा 22 सफेद पट्टियां लगी रहती हैं। हारमोनियम साधारण 3.5 सप्तक में बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सही क्रम को व्यवस्थित करें। ए है रूपक ध्रुव झंप अट त्रिपुट एक मठ, बी है ध्रुव मठ रूपक झप त्रिपुट अट एक, सी है झप ध्रुव अट अठा एक मठ रूपक त्रिपुट, डी है त्रिपुट एक ध्रुव मठ रूपक झंपा अट। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, ध्रुव मठ रूपक झप त्रिपुट अट एक। ठीक है, ध्रुव ताल 14 मात्रा की ताल है। इसमें का चिन्ह ऐसे होता है 1011 मुझे 10 11 ऐसे होता है। मठ ताल का 10 मात्रा की ताल है, इसका चिन्ह 101 होता है। रूपक ताल 6 मात्रा की ताल है, इसका चिन्ह 10 होता है। झप ताल 7 मात्रा की ताल है और इसका चिन्ह ऐसे होता है आई यू ओ की तरह होता है। ठीक है, और त्रिपुट ताल में 8 मात्राएं होती है जिन्हें जिसका चिन्ह होता है 100 100 100 मानिए एक। अठ ताल में 12 मात्राएं होती है, इनका चिन्ह ये होता है 1100। एक ताल में 4 मात्रा चिन्ह है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। और टेलीग्राम का जो नाम है वो ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। यहां से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। जितनी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब जितनी भी नोटिफिकेशन आती है नेट पीजीटी पीजीटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को एक चीज जरूर करना है, वो है चैनल को शेयर जरूर करें। जितने भी क्वेश्चन पेपर है नेट के वो सारे मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे करके सारी चीजें मैं करवाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।